ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्य प्रणाली का अध्ययन पिछले दो दशकों में विभिन्न हाई लेवल कमिटीज द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कामकाज में सुधार लाने और इन फैक्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर देश की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के समन्वय के रूप में देखा जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी, इफिशियंसी बढ़ाने, नई विकास क्षमता और इनोवेशन को सामने लाने और हमारी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक सरकारी विभाग से पब्लिक सेक्टर कंपनी में परिवर्तित किया जाए। इसीलिए सरकार द्वारा जुलाई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक या एक से अधिक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए मेरी अध्यक्षता में, जैसा आपको बताया भी है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया। हमने विभिन्न बैठकें की हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन के सभी पहलुओं पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो है विचार भी किया है। स्टेक होल्डर से प्राप्त जो तरह तरह के सुझाव रहे हैं और उनकी राय रही है, उन पर भी इस पर विचार किया गया और साथ ही इस उद्देश्य के लिए काम पर रखी गई कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा दी गई एक्सपर्ट एडवाइस पर भी विचार किया गया और इस मामले पर विभिन्न निर्णय लेते समय एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मुख्य रूप से दो फैक्टर्स द्वारा निर्देशित था। सबसे पहले पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा ऑर्डिनेंस सप्लाईज में ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार होना चाहिए। दूसरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कार्बोनाइजेशन के निर्णय को लागू करते समय कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा भी की जा रही हो, यह भी सुनिश्चित किया है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन करने और इसे 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज में बदलने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय से इन कंपनीज को ऑटोनॉमी मिलेगी और साथ ही साथ नई कंपनीज के तहत 41 फैक्ट्रीज के कामकाज में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी में सुधार करने में मदद भी मिलेगी। नई संरचना से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मौजूदा प्रणाली में इन विभिन्न कमियों को दूर करने में मदद करेगी और इन कंपनीज को कंपटीटिव बनाने और एक्सपोर्ट सहित बाजार में नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।